हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A25 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A25 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस हैं, तो हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में QR कोड ऑप्शंस का यूज़ कर पाएंगे, और QR कोड ऑप्शंस का यूज़ करके QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को बिना पासवर्ड के कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे करें और कैसे QR कोड स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, सिंपली स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पर जाना और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में QR कोड ऑप्शंस है, तो QR कोड ऑप्शंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और QR कोड को स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कैसे करेंगे, सिंपली सेटिंग शो हो रही है। तो आपके पास इसमें ऑप्शन आ रहा है कनेक्शंस का, कनेक्शंस पे टैप करना है और कनेक्शंस पे टैप करके आप वाईफाई पे क्लिक करते हैं। तो वाईफाई पे क्लिक करके आप QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाते ही QR कोड ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप QR कोड स्कैन करते हैं और QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, तो QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट भी चला सकते हैं। सिंपली इस तरीके से QR कोड स्कैन करके वायरलेस इंटरनेट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो स्कैनर सेटिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में। आप QR कोड स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं और स्कैनर सेटिंग्स को यूज़ करके स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं QR कोड में। तो इस तरीके से QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।